तो हे गाइस, आज हम फिर से खेलने वाले हैं पोकेमॉन फायर रेड। एंड अगले एपिसोड में यार हमने ब्रोक को हरा दिया था, एंड अभी हम जाने वाले हैं माउंट मून के अंदर। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि यार मैंने यार एक निडोरन पकड़ लिया है, मतलब पकड़ लिया था यार ऑफ ऑफ स्ट्रीम में। एंड अभी हम जाने वाले हैं माउंट मून के अंदर, ठीक है ना? तो चलो इंटर कर लेते हैं। एंड मैं यहाँ पर एक काम करूँगा, मैं यहाँ पर एक रिपेल, मतलब रिपेल यूज़ कर लूँगा। एंड मैंने यार ऑफलाइन में रिपेल भी ख़रीद के लाया था मैं, सो रिपेल भी यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर। एंड आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? ओके, वहाँ पर एक बग कैचर दिख रहा है। सो ओके, बुलेट सीट मिला हमें यहाँ पर, जो अच्छी बात है। एंड इस बग कैचर से भी बैटल कर लेंगे अपन, ठीक है ना? सो इससे भी बैटल कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना? इससे बैटल कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, बैटल यूज़ कर रहा है। सो इसको हम आराम से हरा देंगे अपने चारमेंडर से, ठीक है ना? हम इससे अपने चारमेंडर से आराम से हरा देंगे। ओके, यहाँ पे गलत सीन हो चुका है, अपना चारमेंडर पॉइजन्ड हो चुका है, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। एंड देखना पड़ेगा अभी, ठीक है ना? अभी देखना पड़ेगा। एक ककून आ रहा है, सो देखते हैं। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पिकाचू को ट्रेन करना है, बिकॉज पिकाचू अगले जिम में यार बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, मतलब वही काम आने वाला है। सो इसलिए मैं पिकाचू को सबसे ज़्यादा ट्रेन करना चाहता हूँ अभी। सो इसलिए मैं पिकाचू को ट्रेन कर रहा हूँ अभी, एंड देखते हैं अभी, ठीक है ना? तो यहाँ पर फिर से एम्बर यूज़ करते हैं, फिर से हराते हैं। ओके, बहुत बढ़िया, पिकाचू लेवल 11 का हो गया है, और पिकाचू क्विक अटैक सीख चुका है, जो अच्छी बात है। एंड मैं यहाँ पे ग्राउल हटा दूंगा, बिकॉज ग्राउल किसी भी काम का नहीं है। तो ग्राउल की जगह पर अपन इसे क्विक अटैक सिखा देते हैं। और हमारा चारमेंडर लेवल 14 का हो चुका है, जो बहुत अच्छी बात है। एंड हमने इसे हरा दिया आराम से। एंड मैं अभी एक पोशन नहीं, एंटीडोट यूज़ कर लूँगा यहाँ पर, बिकॉज एंटीडोट काम आने वाला है यार, काम आएगा एंटीडोट। सो अभी हम फिर से आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पर इस लड़की से बैटल कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना? इस लड़की से भी बैटल कर लेते हैं। इसके बाद देखिए पोकेमॉन और वह क्लिफेरी। सो मैं यहाँ पर सहराने की कोशिश करूँगा अपने मैंकी से, बिकॉज क्लिफेरी आई थिंक एक नॉर्मल टाइप और फेरी टाइप पोकेमॉन है। सो इस पर आई थिंक अपना ये काम आने आ सकता है यार। सो कराटे चॉप करके देखते हैं। यस, सुपर इफेक्टिव, अच्छी बात है, ठीक है ना? अच्छी बात है यार। एंड हमारा मैंकी भी ट्रेन हो जाएगा यहाँ पर, मैंकी भी लेवल 12 का हो जाएगा आई थिंक। यस, मैंकी लेवल 12 का हो चुका है, जो अच्छी बात है यहाँ पर। एंड हमने इसे हरा दिया आराम से। ओके, ये कुछ यहाँ पे कुछ दिया रखा है इन्होंने। सो अभी थोड़ा नीचे चलते हैं, देखते हैं। ओके, यहाँ पे एक पुकी बॉल है, बट उससे पहले रिपेल यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना? रिपेल यूज़ कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर एक पोशन था, तो इससे भी बैटल कर लेते हैं, बिकॉज मैं ज़्यादा से ज़्यादा बैटल करना चाहता हूँ अभी, बिकॉज जितना बैटल करेंगे उतना अच्छा होगा। मैग्नेमाइट यूज़ कर रहा है, तो चार मिनट के बाद एडवांटेज है यहाँ पर, बिकॉज ये स्टील टाइप और इलेक्ट्रिक टाइप है, तो चार मिनट के पास एडवांटेज है। सो देखते हैं, हराते हैं इसे भी हराते हैं। ओके, 1 HP बच चुका है, बट इसने यार ये कर लिया है, और यहाँ पे गलती हो गई है। एंड क्या बता, हम ये मैच हार भी जाएगा इस। ओके, बढ़िया, एम्बर उसके लिए यहाँ पर, बहुत बढ़िया। एंड वोल्टो आ रहा है, सो मैं नहीं स्विच करूँगा यार, बिकॉज मैं यार चार मिनट को फेंट नहीं करना चाहता, पर लगता है चारमेंडर फेंट हो जाएगा यहाँ पर। यस, चारमेंडर फेंट हो गया यहाँ पर। एंड अभी किसे निकालूं भाई, मैंकी? क्या मैंकी नहीं यार, पिकाचू को ही निकाल लेते हैं, और क्या। और क्विक अटैक करते हैं इससे, देखते हैं कैसे क्विक अटैक से हरा सकते हैं अपन, देखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है ना? क्विक अटैक से हराने की कोशिश करते हैं इसे। ओके ओके, बहुत ज़्यादा डैमेज पर आया वैसे। ओके, हम इसे हरा देंगे यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना? हम इसे हरा देंगे आराम से। ओके, हमने इसे हरा दिया आराम से। एंड अपना पिकाचू लेवल 12 का हो गया है, जो अच्छी बात है। एंड यहाँ पर यार मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे पोकेमॉन को हील करके लाना पड़ेगा, सो मैं वीडियो को पोस्ट कर रहा हूँ। सो गाइस, मैं इन दोनों से बात करना भूल गया था, तो इनसे बात ही कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, ये कुछ नहीं कह रही है। सो यहाँ पर क्या कोई हिडन आइटम है, वो हिडन आइटम भी देख लेते हैं अपन, क्योंकि हिडन आइटम हो सकता है। नहीं है यहाँ पर हिडन आइटम, यहाँ पर भी नहीं है। इससे भी ये बैटल करेगा क्या? नहीं करेगा ये बैटल। सो तो फिर आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर अब आगे बढ़ते हैं। एंड यहाँ पे अपन यूज़ कर लेते हैं रिपेल। यस, मैं कुछ रिपेल भी ख़रीद के लाया था यार प्यूटर सिटी से। सो देखते हैं, जल्दी से निकलने की कोशिश करते हैं अभी। यहाँ पे नहीं जाना, अभी थोड़ा नीचे एक्सप्लोर करते हैं। ओके, इसको हमने हरा दिया था। यहाँ पे पोकेबॉल, इस पोकेबॉल को ले लेते हैं, रेयर कैंडी था इस पर, तो अच्छी बात है। और यहाँ पे इससे भी बैटल कर लेते हैं, बिकॉज बैटल करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। और इसके पास कटर पी है, जो अच्छी बात है, ये हमें पॉइजन नहीं कर पाएगा। सो हम यहाँ पे चार मिनट को निकाल लेता हूँ वापस से। टैकल कर रहा है, तो कुछ नहीं होगा टैकल से, हम एम्बर कर लेंगे, और एम्बर से गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना? आराम से चला जाएगा ये।
मेटापोर्ट आ रहा है, सो मैं वही करने वाला हूँ यार। पिकाचू को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन करने वाला हूँ मैं, बिकॉज़ पिकाचू यार बहुत ज़्यादा काम आने वाला है इस जिम, मतलब अगले जिम में। सो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा पिकाचू को ही ट्रेन करूँगा अभी। ओके एम्बर यूज़ करो यहाँ पर। ओके हमने इसे भी हरा दिया आराम से। ओके फिर से कैटरपी आ रहा है, सो फिर से पिकाचू और फिर से चार्मेंडर, ठीक है ना। आराम से हराएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है ना। एंड देखते हैं अभी, एंड वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। सो देखते हैं अभी। ओके हमने इसे भी हरा दिया आराम से। ओके बढ़िया, हमने इसे आराम से हरा दिया यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, वहाँ पर एक पोकी बॉल है तो उस पोकी बॉल को ले लेते हैं, बिकॉज जितना पोकी बॉल होगा उतना मतलब क्या है देखते हैं, उसमें रिपेल उसको लेते हैं, देखते हैं उसमें क्या है। इसके प्रूफ है तो अच्छी बात है यार। तो यहाँ पे ट्रेनर्स हैं, बट उससे पहले मैं नीचे चल के देख लेता हूँ क्या है नीचे। ओके नीचे एक टीम रॉकेट का बंदा है, तो टीम रॉकेट के बंदे से बैटल कर लेंगे अपन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट उससे पहले मैं इस पोकेबॉल को ले लूँ, ठीक है ना। स्टार पीस था इसमें तो अच्छी बात है। एंड अभी इस टीम रॉकेट के बंदे को हराते हैं, देखते हैं क्या है इसके पास, देखते हैं क्या है इसके पास, ठीक है ना। देखते हैं जल्दी से। सेंस शुरू यूज़ कर रहा है यहाँ पर। सेंस शुरू एक ग्राउंड टाइप पोकेमॉन है, जिसपे अपना मैंकी सुपर इफेक्टिव नहीं होने वाला है, पर देखना पड़ेगा यहाँ पर कि क्या हम इसे हरा सकते हैं कि नहीं हरा सकते हैं। देखते हैं यहाँ पर कराटे चॉप करके देखते हैं। वैसे कुछ हुआ नहीं, वैसे ज़्यादा तो कुछ हुआ नहीं, बट फिर भी हम इसे हराने की कोशिश करते हैं, बिकॉज और कोई चारा भी नहीं अपने पास, हमारे पास कोई अच्छा पोकेमॉन भी नहीं है, इसे हराना पड़ेगा। ओके बस एक और हिट चाहिए और ये चला जाएगा, ठीक है ना। गया ये, बहुत बढ़िया। दूसरा है रेटाटा, तो रेटाटा को भी मैं इसी से हरा सकता हूँ। तो मैं पोकेमॉन स्विच नहीं करने वाला यार अभी, बिकॉज पोकेमॉन स्विच करूँगा तो वीडियो लंबी बनेगी, तो नहीं करते हैं। एक जुबेड आ रहा था, इसमें पिकाचू अपना सुपर इफेक्टिव होने वाला है, तो इसके सामने पिकाचू को निकाल लेते हैं, ठीक है ना। और थंडर शॉक यूज़ कर लेते हैं। ओके बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ा है यहाँ पर। और इसके लीच लाइफ से उतना कुछ हुआ नहीं, बस ये पैरालाइज हो गया जो अच्छी बात है। एंड ये गया, हमने टीम रॉकेट के इस बंदे को हरा दिया आराम से, ठीक है ना। आराम से हरा दिया हमने इसे। एंड अभी हम आगे बढ़ने वाले हैं जल्दी से जल्दी, ठीक है ना। जल्दी से जल्दी आगे बढ़ेंगे अभी अपन। ओके हमने इसे हरा दिया आराम से, अभी सीधे आगे बढ़ते हैं। ओके देखते हैं अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक अंकल है, तो अंकल से बातें कर लेते हैं। ओके यहाँ पे फाइट नहीं कर रहे हैं, रिफिल इफेक्ट तो रिपेयर यूज़ कर लेते हैं अपन वापस से और आगे बढ़ते हैं। इस लड़की से बैटल कर लेते हैं, देखते हैं क्या है इसके पास। ओके ओडिश यूज़ कर रही है, सो चार्मेंडर सुपर इफेक्टिव होने वाला है इसके सामने, सो चार्मेंडर को निकाल लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ओके एम्बर अटैक, आई थिंक वन हिट हो जाएगा ये, नहीं हुआ वन हिट एंड बर्नड हो गया, अच्छी बात है। एब्जॉर्ब कर रहा है, कुछ होगा नहीं वैसे एब्जॉर्ब से, ठीक है ना। एब्जॉर्ब से ज़्यादा कुछ होगा नहीं, बट एम्बर से बहुत ज़्यादा होगा, देख लिया आपने, अच्छी बात है यहाँ पर। और अपना चार्मेंडर भी लेवल 15 का हो जाएगा, और एक लेवल बात ये इवोल्व हो जाएगा। एंड मैं पिकाचू को निकाल लेता हूँ वापस से, वापस चार्मेंडर को निकाल लूँगा, बिकॉज पिकाचू को भी ट्रेन करना है मुझे थोड़ा थोड़ा सा। सो देखते हैं अभी, ठीक है ना। सो ये ग्राउथ कर रहा है, जो किसी काम का नहीं है, ग्राउथ जो भी हो। ओके ये तो वन हिट हो गया, जो अच्छी बात है, ठीक है ना, अच्छी बात है वन हिट हो गया। एंड देखते हैं अभी आगे बढ़ते हैं। ओके यहाँ पे एक और अंडरग्राउंड जा रहा है, सो यहाँ पे भी चलते हैं। और यहाँ पे एक और टीम रॉकेट का बंदा है, तो इस टीम रॉकेट को भी बंदे को भी हराएंगे अपन। ओके देखते हैं इसे भी हराते हैं जल्दी से। ओके इसके पास दो ही पोकेमॉन है और एक जुबेट है, तो जुबेट को हरा देते हैं यहाँ पर, जुबेट को हरा देते हैं यहाँ पर आराम से, ठीक है ना। आराम से हरा देंगे इनको, हराना कोई बड़ी बात है तो है नहीं, टीम रॉकेट के बंदे से भी यार कमज़ोर होते हैं। और दूसरा रहा एकेंस, तो एकेंस पता नहीं क्या टाइप है, बट क्या मुझे पिकाचू को रखना चाहिए। मैं चार्मेंडर को निकाल लेता हूँ, बिकॉज चार्मेंडर से मुझे थोड़ा एडवांटेज लग रहा है, तो चार्मेंडर से हराते हैं इसे, ठीक है ना। तो यहाँ पे एम्बर यूज़ कर लेते हैं, देखते हैं। ओके अच्छा खासा डैमेज करा इसे, पॉइजन भी नहीं हुआ अपना चार्मेंडर, जो अच्छी बात है। एंड हमने इसे भी हरा दिया आराम से हरा दिया हमने इसे भी। एंड हम इसे ले लेंगे अभी, थीफ था इसमें तो अच्छी बात है। तो आगे बढ़ो भाई। ओके ओके यहाँ पे इस बंदे से बैटल कर लेते हैं यहाँ पर, क्या इसके पास देख लेते हैं। एक रेटेटा है, सो यहाँ पर काम आएगा अपना मैंकी, सो मैंकी को निकाल देते हैं यहाँ पर। वैसे निडोरन काम नहीं आ रहा, बट निडोरन को भी ट्रेन करना पड़ेगा, जो अभी 7 लेवल का है बस, सो उससे भी ट्रेन करना पड़ेगा। कराटे चॉप कर लेते हैं और वन हिट हो गया यहाँ पर, जो अच्छी बात है।
ठीक है ना। उसके बाद यार एक और रेटेटा आ रहा है, सब स्विच नहीं करने वाला यार, इसे हरा दूंगा डायरेक्ट। कोई अटैक यूज़ कर रहा है जो बहुत अच्छा खासा डैमेज पर है वैसे। आई थिंक अगर ये एक और करेगा तो आई थिंक मर ही जाएगा अपना मैंकी, तो मुझे मैंकी को हील करना पड़ेगा यार, पोशन यूज़ करना पड़ेगा। बट इसके जुबेट को यार अपन पिकाचू से हरा सकते हैं, सो पिकाचू से हरा देते हैं। ओके 1 हिट ज़रूर नहीं हुआ, लेकिन हम इसे ईजिली हरा सकते हैं, ठीक है ना, हम इसे ईजिली हरा सकते हैं। हरा दिया यहाँ पर, और पिकाचू लेवल 14 का नहीं हुआ, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड मैं यहाँ पे हील कर लेता हूँ, पोशन यूज़ कर लेता हूँ, रुको रुको, पोशन यूज़ कर लेता हूँ अपने मैंकी के ऊपर, और एक यूज़ कर लेता हूँ अपने चारमेंडर के ऊपर भी, बिकॉज चारमेंडर का भी हेल्थ थोड़ा लो है, चारमेंडर के ऊपर भी यूज़ कर लेते हैं, और अभी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अभी। ओके यहाँ पे एक और ट्रेनर है, तो इसे भी बैटल कर लेते हैं, ठीक है ना, इससे बैटल कर लेते हैं। मुझे लगता है रॉक टाइप यूज़ कर रहा है, यस जियो रूड यूज़ कर रहा है, तो मुझे अब यहाँ पर काम आने वाला है अपना मैंकी। तो मैंकी को हील करके मैंने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है ना, मैंकी को हील करके बहुत अच्छा काम किया है हमने। एंड देखते हैं हराते हैं इसे भी। ओके एक और हिट की ज़रूरत है यहाँ पर, तो जल्दी जल्दी हराने की कोशिश करते हैं भाई ने। ओके ये तो गया, पिकाचू लेवल 14 का हो गया है, मैंकी लेवल 13 का हो चुका है, जो बहुत अच्छी बात है। एक और जीरूट आ रहा है, तो इस बार मैं स्विच नहीं करने वाला यार, मैं डायरेक्ट इन्हीं से हराने वाला हूँ। ओके इस बार तो 1 हिट में ही चला गया, बहुत अच्छी बात है। एक और आ रहा है ओनिक्स, तो ओनिक्स को भी हम हरा सकते हैं इससे ही, तो ओनिक्स को भी हरा देते हैं इससे। ओके ओनिक्स को एक और हिट चाहिए होगा हराने में, तो हराते हैं जल्दी से। सो एक और कराटे चॉप और ओनिक्स गया, बहुत अच्छी बात है। ओके हमने इसे हरा दिया है आराम से। एंड अभी हम ओके वहाँ पे कुकी बॉल है, सो इस कुकी बॉल को ले लेते हैं, मून स्टोन था इसमें जो अच्छी बात है। एंड मैं यहाँ पे रिपेयर उसको लेता हूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहता भाई वाइल्ड पोकेमॉन यहाँ पर अपीयर हो। सो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। ओके यहाँ से हम नीचे जा सकते हैं। ओके यहाँ पे हम किसी और भी जगह पर आ चुके हैं, सो देखते हैं जल्दी से निकलने की कोशिश करते हैं। रिवाइव मिला है मुझे, अच्छी बात है कि यहाँ पे टीम रॉकेट के बंदे हैं, तो टीम रॉकेट के बंदों को हरा देते हैं यहाँ पर। एंड क्या है इनके पास, देखते हैं, रेटाटा यूज़ कर रहे हैं भाई, तो अपना मैंकी काम आने वाला है। सो मैंकी यार बहुत ज़्यादा काम आ रहा है इस कैप में, ठीक है ना, मैंकी बहुत ज़्यादा काम आ रहा है इस माउंट मून में। सो इस पर भी कराटे जॉब कर लेते हैं। ओके 1 हिट हो गया, आई थिंक अपना मैंकी लेवल 14 का हो जाएगा, यस। और एक और अरे सेन श्रू, तो इससे हराना पड़ेगा, बिकॉज और पोकेमॉन नहीं अपने पास। कराटे चॉप का जो पीपी है बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, बट देखते हैं अभी जल्दी से इसे हराते हैं। और ओके ये तो बहुत बढ़िया तरीके से क्रिटिकल हिट में मर गया, जो अच्छी बात है मेरे लिए, तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। ओके रिपेल ख़त्म हो गया, तो हम फिर से रिपेल यूज़ कर लेंगे, बिकॉज रिपेल की कोई कमी नहीं अपने पास। सो वापस से चलते हैं यहाँ पर, वापस से चलते हैं। ओके यहाँ पर एक और टीम रॉकेट का बंदा है, तो इस टीम रॉकेट के बंदे को भी हरा देते हैं अपन। बहुत सारे टीम रॉकेट के बंदे हैं यहाँ पर, ये भी रेटेड यूज़ करें, मतलब यहाँ पर भी अपना मैंकी ही काम आने वाला है। सो मैंकी बहुत ज़्यादा ट्रेन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, मैंकी बहुत ज़्यादा ट्रेन हो रहा है, तो मैंकी अच्छा खासा ट्रेन हो जा रहा है यहाँ पर। एक जूबेट यूज़ करें, तो इससे यहाँ पर अपना पिकाचू काम आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे अपना पिकाचू ट्रेन हो जाएगा। तो सब ट्रेन हो रहे हैं नीडोरेन के, इससे बाय सभी ट्रेन होगा यहाँ पर। नीडोरेन को ट्रेन करना पड़ेगा यार। एंड सुपर सोनिक यूज़ कर लिया है, एंड पिकाचू ओके थंडरशॉक यूज़ कर लिया, बहुत अच्छी बात है यहाँ पर, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। एंड चलो यार आगे बढ़ते हैं अभी। ओके यहाँ पर कोई बंदा है यहाँ पर, और ये भी बैटल कर रहा है पर, तो देखते हैं इसे भी हराते हैं। जैसे ग्राइमर यूज़ करें, तो ग्राइमर क्या है, कौन सुपर इफेक्टिव होगा मुझे नहीं पता, क्या चार हज़ार नहीं, चारमेंडर क्या होगा, देखते हैं। चारमेंडर को निकाल लेते हैं यहाँ पर, यह पाउंड कर रहा है, सो देखते हैं इसे हराने की कोशिश करते हैं एम्बर से। उतना खासा डैमेज पड़ा नहीं वैसे एम्बर से, बट फिर भी हम इसे हरा सकते हैं। डिसेबल कर दिया, जो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ मेटल क्लो कर लेते हैं। ओके मेटल क्लो से हुआ नहीं वैसे कुछ ज़्यादा, बट एक और मेटल क्लो किया, बट ये एम्बर ही कर सकते हैं अभी अपन, तो एम्बर ही कर लेंगे। एक कोफिंग आ रहा है, तो कोफिंग को तो हम चारमेंडर से ही हराएंगे, सो कोफिंग को हरा देते हैं यहाँ पर। ओके कोफिंग को बस एक और हिट करने की ज़रूरत है, और कोफिंग चला जाएगा, ठीक है ना। ओके कोफिंग चला गया यहाँ पर, और चारमेंडर लेवल 16 का हो गया, मतलब चारमेंडर इवोल्व हो जाएगा अभी। एक फोल्टो वाला है, फोल्टो को भी हम चारमेंडर से हरा सकते हैं, तो चारमेंडर से हराएंगे अपन। अभी एक और हिट की ज़रूरत है बस, ठीक है ना, एक और हिट की ज़रूरत है बस। चारमेंडर यहाँ पर, चारमेंडर ने इसे भी हरा दिया है, और देखते हैं अभी। ओके अपना चारमेंडर यहाँ पे इवोल्व हो रहा है, जो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, जो यहाँ पे 4 मिलियन बनेगा अभी, है बहुत अच्छी बात है यार। अपना चारमेंडर यहाँ पे 4 मिलियन बन चुका है, बहुत अच्छी बात है। ओके अभी हम यहाँ से एक फोसिल ले सकते हैं, तो हेलिक्स फोसिल, और ये क्या है,
डोम फॉसिल, तो मैं हेलिक्स फॉसिल को ले लेता हूँ यार यहाँ पर, ठीक है ना। और ये यहाँ पर डोम फॉसिल को ले लिया इसने, सभी हम आगे बढ़ते हैं। रिफिल पाइप इफेक्ट ख़त्म हो चुका है तो हम एक और रिफिल यूज़ कर लेंगे, ठीक है ना, और आगे बढ़ेंगे। ओके सो गाइस, हम यहाँ पर माउंट मून से निकल चुके हैं और हमें भी सेरुलियन सिटी जाना है। सो सेरुलियन सिटी चलते हैं यहाँ पर। बट यहाँ पे दो दो हैं। सो मैं सोच रहा हूँ कि यार ये सीन मैं अगले एपिसोड में करूँ, ठीक है ना, ये चीज़ मैं अगले एपिसोड में करूँगा। मैं ये वीडियो रुको रुको, पहले बाहर निकलते हैं, ठीक है ना, बाहर निकलते हैं। सो गाइस, वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक कर लेना यार, एंड वीडियो पसंद आई तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम एंड पीस आउट।